स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम देख रहे हैं छत के ऊपर मुर्गी पालन का, ये 52वां दिन है। बच्चों के फीडर वीडर सब कुछ भर दिए है, थोड़ा अंदर से आज देखने का इरादा है। तो चलिए किस तरह ये रिएक्ट करेंगे वो भी देखेंगे। ये देखिए किस तरह बाहर आने की पूरी तैयारी है, ये बाहर भी आ गया था। देखिए माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हुई है और ये बाहर जाने की पूरी तैयारी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह बाहर जा रही थी, ये उतावले है। नए नए टमाटर कट करके रखे हैं पर थोड़े टाइम से डालेंगे ताकि ये खा के फिर दोपहर के टाइम तक आराम करें। माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ के हिसाब से अच्छी हुई है। अब सेलिंग की भी तैयारी करनी है हमें। आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। हमारे यहाँ के मेल तो मेल, फीमेल भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुकी है। ये रही, ये एक फीमेल है, या ये एक है, ये एक है। माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हुई है फीमेल की भी हमारे। वाटर इन्होंने पानी थोड़ा ख़त्म कर दिया था, वो भी हमने भर दिया है। ये बाहर देखिए किस तरह बाहर निकल कर चल जाते हैं, ये हरे नेट के बाहर भी चले जाते हैं और अंदर आने को फिर बाद में सता रहा है, इसलिए बाहर नहीं छोड़ रहा वीडियो के वक्त। ऐसे बाहर छोड़ते हैं पर दोपहर के वक्त छोड़ते हैं, ज़रा 11-12 बजे के बाद। देखिए इस तरह बाहर वो कितने दूर चले जा रहे हैं। देखिए ये कुछ देखिए, ये छोटा बच्चा है, इसके पूरे बाल नोच लिए गए हैं। ऐसे भी कुछ होते हैं पर ये जब बड़े बच्चे दिख जाएंगे उसके बाद ये 4-8 दिन में इसके पूरे पंख रिकवर हो जाएंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगा आपको अगले किसी वीडियो में। मैं थोड़ी देर बाहर का भी बता देता हूँ, उन्हें बाहर निकलने देता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए कितने स्पीड में, ये देखिए बाहर आने की तैयारी। देखिए किस तरह आते हैं बाहर, देखिए ओपन स्पेस देसी मुर्गी पालन या छत पे मुर्गी पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, जो भी जिस तरह से भी आप करते हैं, ओपन स्पेस बहुत ज़रूरी है। आप ओपन स्पेस के बिना मुर्गी पालन सोच नहीं सकते इस तरह की देसी मुर्गी पालन में। हाँ, अगर आप वाइट चिकन जो पोल्ट्री होती है, ये जो वाइट चिकन होता है उसे पाल सकते हैं आप, उन्हें जगह की ज़रूरत नहीं होती उतनी ओपन स्पेस की, पर इनको ओपन स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। मैं इन्हें अंदर कोड़ देता हूँ, बाद में टमाटर लाने के बाद इन्हें छोड़ेंगे। मैं कल परसों में वो भी वीडियो और अपलोड करूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।